लास्ट क्लास तक बेटा जितना हो गया एक बार रिवाइज कर लो 5 मिनट लगा के, एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। करंट टॉपिक स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने कर लिया था फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स तक, और डिमांड साइड और सप्लाई साइड सारी कर ली थी। आज का टॉपिक काफी छोटा सा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन उसके बाद जो है हम बुक के बैक क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे आराम से। टॉपिक है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट को कैसे डिफाइन किया जाता है? अब फॉरेक्स मार्केट इज अ प्लेस वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप किसी और कंट्री की करेंसी को परचेज कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट जो है उसे कहते हैं हम लोग। अब फॉरेक्स मार्केट जो है या फॉरेक्स मार्केट ट्रांजेक्शंस जो है ये दो तरीके की हो सकती है। एक होती है जो कि विद इन 3 बिजनेस डेज की डीलिंग हो, और एक होती है जो कि मोर देन 3 बिजनेस डेज की डीलिंग हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कुणाल गया मार्केट में, उसने बोला जी मेरे को $5,000 चाहिए 5 दिन बाद, तो वो हो जाती है मोर देन 3 बिजनेस डेज की ट्रांजेक्शन। और अगर मैं कहूं जी मुझे अभी चाहिए तो वो विद इन 3 बिजनेस डेज आ जाती है। ऐसी ट्रांजेक्शन को स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और इस तरीके की ट्रांजेक्शन को फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर के लिए। एक बार यहां तक की रीडिंग कोई एक बच्चा कर दे, कौन रीड करेगा आज? खुशी गुप्ता, पीतमपुरा।
रिपीट द क्वेश्चन. मैं कह रहा हूँ कि आप रीडिंग कर दो एक बारी बुक में से यहां तक की. ओके सर. सर कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से स्टार्ट करना है ना? हाँ जी बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से लेके यहाँ फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट तक की रीडिंग करके देनी है. ओके सर. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक. लाइक एनी अदर मार्केट, foreign exchange market is a system, not a place. The transactions in this market are not confined to only one or few foreign currencies. In fact, there are a large number of foreign currencies which are traded, converted and exchanged in the foreign exchange market. हाँ जी, एक सेकंड बेटा. अब इसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक सिस्टम है. इसका मतलब क्या है? अगर सपोज आपको कोई एक करेंसी डीलर मिल रहा है जिसकी चाहे शॉप ना हो, जैसे हम अगर कभी आप लोग सीपी जनपद साइड गए हो तो वहां पे पहले ऐसा होता था जहां तक मुझे पता है, अब का पता नहीं कि लोग बेचते हैं या नहीं, तो वहां पे आपको फॉरेन करेंसी मिल जाती है, वो सेल करते हैं, या फिर पहाड़गंज में होता है तो वो जगह भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है. मार्केट का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक प्रॉपर मार्केट लगी हुई हो उस चीज की, क्योंकि जब हम लोग एक टर्म सुनते हैं मार्केट तो हमारे माइंड में आ जाता है सरोजनी नगर हो गया या गफार हो गया, ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर मार्केट लगी होती है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की. बट मार्केट जो है एक्चुअल में एक सिस्टम होता है जहाँ पे कोई भी चीज खरीदी जा रही है या फिर बेची जा रही है. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी अपने आप में ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे इसकी मार्केट लगती है कि फॉरेन करेंसी जाके खरीद लो. अगर आप बैंक से भी फॉरेन करेंसी ले रहे हो तो बैंक एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट हो जाता है. आगे रीड कर दो बेटा, फंक्शंस रीड मत करना, पहले टाइप्स रीड करनी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की. ओके सर. काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर स्पॉट और फॉरवर्ड. अकॉर्डिंगली देयर आर टू काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. Spot market refers to the market in which the receipts and payments are made immediately. Generally, a time of 2 business days is permitted to settle the transaction. Spot market is of daily nature and deals only in spot transactions of foreign exchange, not in future transactions. The rate of exchange which prevails in the spot market is termed as spot exchange rate or current rate of exchange. Forward market refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at a rate agreed upon today. The exchange rate quoted in forward transactions is known as forward exchange rate. Generally, most of the international transactions are signed on one date and completed on a later date. Forward exchange rate becomes useful for both the parties involved in the transaction. Forward contract is made for 2 reasons. First, to minimize the risk of loss due to adverse changes in the exchange market through hedging. Second, to make profit through speculation. अब बेटा इसका कोई वो नहीं था रीड करने का, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन 1 मार्क में ही पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है और स्पॉट मार्केट क्या होती है. सो स्पॉट मार्केट कोई ऐसी मार्केट ट्रांजेक्शन है जो कि इमिजिएटली कैश पेमेंट पे हो जाती है या विद इन 2 business days, मैंने पहले 3 बोल दिया था. और फॉरवर्ड मार्केट होती है जो 2 दिन या उससे ज्यादा का टाइम जो है, 2 दिन से ज्यादा का टाइम इन्वॉल्व कर रही हो उस ट्रांजेक्शन के अंदर. नहीं वही समझा रहा हूँ बेटा. 3 functions होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के. सबसे पहला होता है क्रेडिट फंक्शन, दूसरा है ट्रांसफर फंक्शन और तीसरा है हेजिंग फंक्शन. क्रेडिट फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड क्रेडिट
टू डिफरेंट नेशंस. क्रेडिट का मतलब होता है पैसा. सो बेसिकली ये जो है आपको एक क्रेडिट चैनल प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि किसी भी नेशन में अगर किसी को भी कोई फॉरेन करेंसी चाहिए हो तो वो इजीली परचेज कर सकते हैं. देन ट्रांसफर फंक्शन मींस टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज. किसी भी दो कंट्री या उनके बीच में जो है ट्रांसफर करना परचेजिंग पावर, दैट मींस करेंसी को. तीसरा फंक्शन जो है वो है हेजिंग फंक्शन. हेजिंग का होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क्स एसोसिएटेड विद सच मार्केट. अब जैसे कि सपोज आपने आज ट्रांजैक्शन की, आप कह रहे हो जी हम 5 महीने बाद $5,00,000 परचेज करेंगे. अब हेजिंग फंक्शन में क्या होता है, देखो जब आप 5 साल बाद या 5 महीने बाद $5,00,000 अगर परचेज करोगे तो वो किस प्राइस पे किया जाएगा? क्या किसी को पता है कि 5 महीने बाद क्या फॉरेन एक्सचेंज का वो होगा रेट? किसी को आइडिया होगा कि उस टाइम पे डॉट कितनी फिगर होगी? नो सर. सो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप करंट रेट पे कर लोगे या आप कहोगे उसी टाइम देख लेते हैं सपोज हम. तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे बढ़ गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो किसी ना किसी को भी दिक्कत है. सो उस केस में क्या किया जाता है, जब भी फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो ये लोग हेज कर लेते हैं. हेज करने का मतलब होता है ये लोग एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं कि जी हम इस प्राइस पे, कोई भी एक स्पेसिफिक प्राइस हो सकता है, करंट ईयर जो करंट मंथ है या करंट डेट का प्राइस या 5 महीने बाद का जो एक्सपेक्टेड है या कोई भी एक एक्सपेक्टेड प्राइस जो है उसके बेस पे ये लोग ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं. उसके बाद फिर चाहे एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गया हो या बहुत कम हो गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इस तरीके के जो रिस्क होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. सर एक और बार लास्ट रिपीट करना, क्या करते हैं हम? सपोज आज एक डॉलर का प्राइस ₹70 है, आपने कहा जी 5 महीने बाद $5,00,000 लेंगे. $5,00,000 का मतलब हो गया ₹70 के हिसाब से 3.5 करोड़. हाँ तो अब देखो अब क्या चीज हो सकती है, अब अगर आप लोग कुछ बात नहीं करते सपोज तो 5 महीने बाद एक्सचेंज रेट सपोज 70 से 100 हो जाए या 70 से 20 पे आ जाए तो इसमें दोनों पार्टीज को नुकसान है क्योंकि रिस्क है यहाँ पे. तो जब भी आप फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजेक्शन करते हो तो ये लोग क्या करते हैं, ये उस चीज को हेज कर देते हैं. हेज करने का मतलब होता है उस चीज को एलिमिनेट कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर लेते हैं आपको ऐसे रिस्क से कि आपको फ्यूचर में कुछ करना ही ना पड़े. डरने की जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी को, ना बायर को ना सेलर को. ये लोग आपसे एक अग्रीड रेट पे $5,00,000 जो है उनकी एक वो बना लेंगे कॉन्ट्रैक्ट. एंड देन फिर चाहे फ्यूचर में 100 हो जाए 150 हो जाए 500 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पे आपने साइन कर लिए है या जितने पे आपने अग्री कर लिया था उसी प्राइस के ऊपर जो है आप लोग अपना ट्रांजेक्शन जो है वो कंटिन्यू करते हो. अगर देखा जाए तो सेलर को नुकसान नहीं है. क्यों? हमेशा रेट तो इसका बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं है, तो बायर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है. नहीं ऐसा नहीं है, ये जो आपका प्राइस फिक्स करेंगे जो भी करंट रेट पे नहीं होगा वो एक एक्सपेक्टेड रेट पे होता है क्योंकि ये लोग इस मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं डेली. ये इस मार्केट का हिस्सा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो अपने आप में एक चीज है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को पूरा टाइम मॉनिटर करती रहती है कि कब कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है. तो इन्हें एंटिसिपेटेड होता है कि जी ये इतना बढ़ जाएगा या इतना कम हो जाएगा, देन उसके हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन की जाती है. ओके सर. सो ये आपका टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये टॉपिक में और कुछ भी नहीं बचा.